आप बोलोगे तो बुला लेगा वापस उसको फौज से। फौज से वापस बुलाएगा? वो छोड़ेगा उसको क्या? सुबह की नहीं होगी हमारा और कबीले का। इस मुल्क के परचम को कभी सर निगू नहीं होने देंगे। एक एक जुमला जैसे वाकई उनके दिल से निकल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना कौमी तराना गूंज रहा हो, और मेरे हाथ में एक गन है और मैं बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ। अगर तुम ना होती ना तो ये चीजें मुझे मर के नहीं समझ में आनी थी। वैसे खामखा फौज में आ गई हो, तुम्हें तो उस्ताद ही होना चाहिए था। इस वीकेंड पर आप सब लोग अपने अपने घर खत लिखेंगी। यस मैम। खत? मैम किसको? घर में कौन होता है? फैमिली। एग्जैक्टली, फैमिली। आप सब लोग अपनी फैमिली को खत लिखेंगे। लेकिन मैम खत में लिखेंगे क्या? जो दिल चाहे वो लिखें। आप यूं फील करें जैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं। घर में किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी को खत लिखें। मैम ये खत उन्हें मिलेगा या फिर यहीं रखा रहेगा जो हम उन्हें लिखेंगे? ऑफ कोर्स, खत यहाँ से भेजा जाएगा, वहाँ रिसीव होगा और उसका जवाब आएगा। आप लोगों को होम सिकनेस हो रही है तो आप अपने घर खत लिखा करें। आप में से हर कोई हर वीकेंड पर खत लिखेगा। यस मैम। Dear Dad and Mom, Assalamu alaikum. ये मेरी जिंदगी का पहला हाथ लिखा हुआ खत है जो मैं आपको लिख रही हूं। और कितनी देर खाली कागज लेकर बैठी रही थी कि आप दोनों को मुखातिब कैसे करूं, क्या लिखूं, डियर कहूं, प्यारे कहूं, एक का नाम लूं या दूसरे का। ये खत लिखना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था जितना घर में मेरी बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी। एक खाली कागज पर उन माँ बाप से क्या लिखा जाए जिनके साथ आपको सारी जिंदगी कम्युनिकेशन का ही मसला रहा हो। ये था मेरा चैलेंज। लेकिन मेरी प्लेटून कमांडर कहती है कि ये चैलेंज भी हेड ऑन लेना। इन्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए छोटा चैलेंज नहीं है। खैर क्या बातें लेकर बैठ गई। लिखना तो खत था, आपको पीएमए में अपनी जिंदगी और रूटीन के बारे में बताना था और आपसे आपका पूछना था। पीएमए में बहुत दिन हो गए, अब भी रोज भागने को दिल करता है और घर याद आता है जो घर में रह के कभी याद नहीं आया, पर अब आता है। और आप दोनों भी याद आते हैं, इतना कभी आपके पास घर में रह के आप लोगों को मिस नहीं किया जितना यहाँ इतने दिनों में। यहाँ काकुल में जिंदगी बड़ी मुश्किल है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं नहीं रह सकती, भाग जाऊंगी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि यही तो जिंदगी है। इस जिंदगी में कोई मकसद, कोई चैलेंज तो है, कुछ कम तो है। घर में तो सब कुछ ज्यादा था, पैसा, कंफर्ट, प्यार, लग्जरीज, वक्त, सब ज्यादा था। यहाँ पे हर चीज लिमिटेड है, बजटेड है। ये जिंदगी अच्छी है डैड। ये उस सारी जिंदगी से अच्छी जिंदगी है जो मैं गुजार के आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो मुल्क जिसमें मैं रह रही हूँ वो है क्या।
और उसका ना होना कितना बड़ा फर्क डालता है। और कितने लोग हैं जो इस जमीन को कायम और दायम रखने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। टीवी और न्यूज़पेपर पर शहादतों की खबर सुनकर चैनल स्विच करने में और पीएमए में रहकर उन सब से इंटरेक्ट करने में बड़ा फर्क है, जिनकी फैमिली का कोई ना कोई इस मुल्क के लिए कुर्बान हो चुका है। कौन बेहतर है मामी, हम जो पैसा जमा करते रहते या ये जो जान तक अपने पास नहीं रखते। मैं आपको ये सब लिखना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि यहां आके जिंदगी का महवर बदल जाता है। यहां पीएमए में ब्रांड्स, मेकअप, किसी चीज का ख्याल नहीं आता। सब एक जैसा खाते हैं, एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, एक ही मकसद है। इस मकसद को हासिल करने का तरीका भी एक ही है। फर्क अगर है तो सबकी कॉम्पिटेंस में, सबकी डेडिकेशन में, पर सब फोकस्ड है, और मैं भी। मुझे यहाँ माजबीन मस्तान का नाम सबको याद करवाना है कि हाँ, आई थी यहाँ एक माजबीन मस्तान। और क्या कैडेट थी और क्या कैलिबर था एलसी माजबीन मस्तान का। आपकी बेटी माजबीन मस्तान, कैसी बात लिख रही है माजबी। उसने तो इमोशनल कर दिया। ऐसे थोड़ा ही सोचती थी, ऐसी बातें थोड़ा ही करती थी। मेरी प्यारी बेटी पीएमए में है, फौजी बन रही है, वहां फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर कहां फर्क पड़ेगा। चीज देख ली आप लोगों ने, आप सब जमीन पर लेटकर बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट से यहां तक लिपट कराल करती हुई आएंगी। जब दुश्मन के इलाके में हम जाते हैं तो इसी तरह नहीं जाते हैं बिल्कुल जैसे आम पोजीशन में या आम हालात में हम जाते हैं। वहां पर हमने क्या करना होता है कि दुश्मन को अभी तमाम मैडम्स देखें स्टाफ को लेपट कराल कर रहे हैं, दोबारा आपने इसी तरह कराल करनी है। मैडम देख ली आप सब ने, अब बिल्कुल आप सब इसी तरह जमीन पर लेटकर पोजीशन लेते हुए यहाँ से वो दरख्त तक लेपट कराल करती हुई जाएंगी। क्लियर? जी सर। We'll be right back.
वो भी खत्म हो गए। मेरे हाथ अपने हाथ ही नहीं लग रहे। आज तो छोड़ो, मुझे तो अपना मुंह नहीं लगता। ओए, आज पता चला है पहली दफा कि बिल्ली कितनी मेहनत से भागती है। You're doing good, Nathmi. ये जो फिल्म कंसेप्ट है ना, हर चीज में हमको पीछे छोड़ जाती है। तुम जान मारो ना, अगर पीछे छोड़ जाती है तो। नंबर टू, वो बार बार मेरा लक्ष्य को नीचे। आज बड़ी खामोशी छाई है, किसी ने कोई बात नहीं करनी आज टी ब्रेक में। वैसे रबिया इतनी बुरी लड़की नहीं है क्या? वो मैं ये कह रही थी कि जो रबिया है ना, वो इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना तुम बता रही थी। अच्छा, थोड़ी जज्बाती है लेकिन दिल की अच्छी है। कौन? माँ जबीन। तो गुड फॉर यू, बहुत अच्छी रूममेट मिल गई। नहीं नहीं, मैं वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ, बड़ा ख्याल करती है मेरा। और तुम? हाँ तो मुझे भी तो करना पड़ता है फिर। और हाँ, मैं पठान जात, हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे और हम उससे लड़ते भिड़ते रहें तो अच्छा तो नहीं लगता ना। और ये सब मुझे सुनाने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ रबिया। मैंने सोचा शायद तुम लोग दोबारा दोस्ती करना चाहो। दोबारा ये बात भी ना करना मुझसे, वरना मैं तुमसे भी कभी बात नहीं करूंगी। ये तो मुझसे भी ज्यादा खर दिमाग है। मुझे वैसे किरण की समझ नहीं आ रही। तुम्हें कई चीज़ों की समझ नहीं आती, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी नहीं कर रहा। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वो मुझसे कुछ खिंची खिंची सी है। तो क्या मतलब, अगर खिंची खिंची है तो उसकी कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना। हाँ तो पूछ लो उससे। हाँ मैं पूछूंगी, मगर वो कहेगी नहीं। तो फिर नहीं होगी। नहीं इब्राहिम, ऐसी बात नहीं। मैंने उसे कितनी दफ़ा घर बुलाया, खुद उसके घर जाने को कहा, लेकिन वो हमेशा टाल मटोल कर देती है। फिर मैंने उसे फ़ोन नंबर मांगा, उसने नहीं दिया, और जब दिया फिर वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जिसकी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रही है। तो फिर तुम भी उसे अवॉइड करो ना। अच्छा ताल्लुक था हमारा जब हम एक स्टेशन पर थे, उन दोनों की शादी हमारे सामने हुई, हमने वेडिंग रिसेप्शन दिया, मैंने उसके साथ उसका घर सजाया,
और यहाँ तक कि उनकी बेटी हमारे सामने पैदा हुई, फिर वो ये सब कुछ कैसे भूल गई? हम भी तो बीच में पोस्ट आउट हो गए थे, तुम रबते में भी नहीं रही। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूल जाएं। बाद में तो मैंने रबता कर लिया ना, तो फिर वो दोबारा क्यों अवॉइड करिए मुझे? देखो, जो जिस तरह बिहेव कर रहा है तुम भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। अगर वो अवॉइड करिए तो तुम भी अवॉइड करो, बस तुम टेंशन ना लो। टेंशन की बात नहीं है इब्राहिम, मुझे उसका रवैया अच्छा नहीं लगा। क्या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम औरतों के इमोशनल अटैचमेंट का अपना एक लेवल होता है, और हमारी बॉन्डिंग किसी और तरह की होती है। और वैसे भी उसके हस्बैंड से मेरा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था जितना तुम्हारा किरण के साथ था। वो एक यंग ऑफिसर था, SSG में था, और मैं मेडिकल कोर में। खैर, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, मुझे ऑनलाइन होना है, प्लीज़। प्यारी दादी जान, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। उसी तरह ढीठ और हट्टी कट्टी जैसी आपको हमेशा लगती हूँ। नहीं, अब जरा हट्टी कट्टी कम हो गई हूँ। PMA मेरे साथ वो सलूक कर रहा है जो आप हमेशा करना चाहती थी, भगा भगा के, थका थका के मुझे सीधा कर रहा है। और जब मैं सीधी हो रही हूँ तो मुझे आप याद आ रही हैं। प्लेटून कमांडर ने मुझसे कहा मैं अपने खानदान में किसी एक के नाम खत लिखूं, तो मैं आपके नाम खत लिख रही हूँ। यहाँ जब जब मुझे मलामत होती है तो मुझे आप याद आती हैं। बस फर्क ये है कि PMA में जब मुझे मलामत करते तो मुझे बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और आप जब मुझे मलामत करती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं बेहतरीन से बदतरीन बन जाऊं। लेकिन ये खत आपसे शिकवा शिकायतें करने के लिए नहीं लिख रही हूँ। बस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अपने पूरे खानदान में अगर किसी को मैंने सबसे ज्यादा नाखुश किया, नाराज किया, तो वो आप हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको कहना चाहिए कि अब मुझे आपसे इतनी शिकायतें नहीं रही हैं। वो एहसास कमतरी और खुद तरसी जो आपकी बातों की वजह से मुझे होती थी, वो अब PMA में कही गई बात से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हर सख्त जुमला, हर गुस्से में कहा गया लफ्ज चैलेंज लगता है मुझे अपनी इस्तेदाद से बढ़कर काम करने के लिए और दिखाने के लिए, जो शाइस्ता खानजादा सिर्फ ख्वाहिश कर सकती थी। चेकुंदे पजड़ो तचे परवा उनखड़े मुंगांबा जुड़े गो यारा दस्ताला सुनोगा तब तरसो बच्चा है। मौसम, हालात, खाना, जिंदगी सब बुलंद पर चम्मे से हमारा कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जस्तजू तेरी नाजुक कहके वार करे जो तोड़ दे उंगली रस में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की
लेकिन घर के लिए उदासी है, खास तौर पर आपकी फिटकार के लिए। आपकी फिटकार मेरे लिए नसवार जैसी हो गई है दादी जान। लिखने को तो पता नहीं क्या क्या दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इस पहले खत के लिए बस इतना ही। मैं नहीं चाहती कि आप पहले खत के बाद ही अपना जूता उतार लें, और अगर उतार भी लें तो ये जान लें कि शाइस्ता खानजादा आपसे बहुत दूर है, PMA में। लो भला कैसी बातें करती है, मैं कहाँ जूता मारती हूँ उसको, और अब तो मुझसे झुका भी नहीं जाता, मेरी कमर में इतना दर्द होता है। अच्छा आगे पढ़। आगे शाइस्ता बाजी ने लिखा है कि दादी मैं आपको अपनी तस्वीर भेज रही हूँ फौजी यूनिफॉर्म में, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दिखा जल्दी से मुझे, दिखा तस्वीर किधर है। अरे वाह, दिखा ना, तू छोड़ ना बस। पहुंची रही है। अल्लाह, ओहो कितनी कमजोर हो गई है, इसका रंग देखो जरा, ये तो मेरी वो शाइस्ता लग ही नहीं रही। अफसर तो लग रही है ना दादी, बस इतना ही ठीक है। शुक्र है अफसर तो है मेरी बच्ची। शुक्र है मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। दादी हमें तो दिखाएं। उसे अपनी दादी को भेजिए, तुम्हें थोड़ी दूंगी खराब करने के लिए। देख लो ऐसे देखो। श्रीलंका आते एसएलएन में तो नहीं करते? नहीं। ओके देन आई एम जेन्युइनली सॉरी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर फॉर दिस वीक। You are welcome. दरवाजा बंद करना था। What? So Miss Natham, you don't know a single word of Urdu, but you can close the door if you're asked to do it in Urdu. मुझे तो पहले से शक था कि तुम्हें उर्दू बोलनी आती है। बताओ आती है या नहीं? सबको बताऊंगी। हेलो। हाय। सबको बताऊंगी। इतना बड़ा धोखा। हम तुम्हारे सामने तुम्हारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे और तुम मीसनी बनके सुनती रही। मीसनी? अच्छा चल कॉमन रूम में चल के तुझे सब बताएंगे मीसनी का मतलब। बच्चे ओके आई एम सॉरी हो जाता है तो क्या हुआ? तुम लोग श्रीलंका आते एसएलएन में तो नहीं करते? नहीं। ओके देन आई एम जेन्युइनली सॉरी। अच्छा तुम्हें हमारा सिंगर कौन सा पसंद है? आतिफ असलम। मुझे भी। हाय अल्लाह तुम तो बहुत ही देसी हो। वैसे बड़े अफसोस की बात है। अच्छा मैं तुमसे मुश्किल इंग्लिश में बोलती रही, इसी काबिल थी तुम। इससे पूछा ये ड्रामे कौन कौन से देखती है हमारे और इसे एक्टर्स कौन कौन से पसंद है। मुझे प्यारे अफसर दाम, मेरे पास तुम है, तगी गुलजार है और मेरे फेवरेट्स है एंड आई लव फावद खान, महिरा खान, हुमायूं सईद। May I come in, sir? Yes. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Please have a seat, Major Samia. Thank you, sir. एडवेंचर कोर्स के लिए पहली बार कुछ एलसीज को भेजना है सर। आप उन एलसीज को भेजिएगा जिन्हें एडवेंचर कोर्स से खौफ आता हो। सर फिर तो सबसे पहले एलसी रबिया को भेजना चाहिए, रबिया, सिद्रा, आरजू। ठीक है इन्हें भेज दें। राइट सर। सर बाय द वे एलसी नथमी को उर्दू बहुत अच्छी आती है और सर वो बोल भी लेती है।
इस बात का तो मुझे पहले दिन से पता था। सर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। मैंने सोचा आपको भी खुद पता चल जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? एसएसजी कमांडो रिफ्लेक्सेस देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ। सर हम जब भी उसके सामने उर्दू में बात करते थे तो उसके तासुरात देख के ये जाहिर हो जाता था कि उसे हमारी बातचीत समझ में आ रही है। बट शी वॉज अनकम्फर्टेबल इन लेटिंग अस नो, तो मैंने सोचा जब बताना चाहेगी बता देगी। लेकिन सर एलसीज ने बूझ लिया। गुड फॉर देम। सर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी। ओके। सर एलसी नेथमी मेरे पास आई थी एक रिक्वेस्ट लेकर। ओके। सर नेथमी के फादर पीएमए से पास आउट हुए हैं। जब वो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनकी एक कैडेट से दोस्ती हो गई थी। सर नेथमी के फादर की शहादत के बाद उनका उनसे रब्ता टूट गया। नेथमी सर अब उनके साथ दोबारा कॉन्टेक्ट करना चाहती है। सर पीएमए के रिकॉर्ड से हम डाटा तो निकाल सकते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ कोर्स की डिटेल है या उनके फादर के दोस्त का नाम। That can easily be done. अगर एक ही कोर्स के हैं तो नामों से भी पता लगाया जा सकता है। मुजाहिद सलीम। That sounds very familiar. Really, sir? प्यारे दानियाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। दानियाल भाई आपको याद है जब आप काकोल में थे तो आप वहाँ से मुझे और अम्मी को और बाबा को ख़त लिखा करते थे और मेरी प्लेटून कमांडर ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी फैमिली में किसी को ख़त लिखूँ। पहले सोचा बाबा को ख़त लिखूं, फिर सोचा अम्मी को, फिर ख्याल आया कि सारी बातें तो मुझे आपसे करनी होती हैं। आप भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त भी नहीं सहेली। जब आप काकूल में हमें ख़त लिखा करते थे तो मुझे भी ख़त लिखते थे और आप मुझे बताते थे कि काकूल में आपको सबसे ज्यादा मेरी याद आती है और मैं भी आपको खत लिखा करती थी। आपको पता है आपके जाने के बाद पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि घर कितना खाली हो गया था। उस वक्त सारी बातें मजाक में लिख दिया करती थी। आपको कहती थी कि मैं आपको मिस ही नहीं करती ताकि आप उदास ना हो, पर अब जब मैं काकूल में बैठी हूं तो
मुझे ख्याल आ रहा है कि आप मेरी जिंदगी का कंपास हैं। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी हमेशा उस तरफ जाती है जिस तरफ आप होते हैं। आप इतना असर रखते हैं मुझ पर। ये जो मैं आज काकूल में बैठी, अपनी जिंदगी के एक बड़े से कैनवस में बहुत सारे रंग उभरते देख रही हूँ, ये सब आपकी वजह से ही है दानियाल भाई। वरना मैं घर में होती तो रोज रिश्ता देखने आने वालों के सामने पेस्ट्रीज, कपकेक्स, दही बड़े और समोसे प्लेटों में लगा लगा कर पेश कर रही होती। यहाँ काकूल में आकर मुझे जीसीज और एलसीज का फर्क और भी समझ में आया। जब हम पीएमए की रोड पर चलते हुए जीसीज को देखते हैं जिन्हें पनिशमेंट्स मिल रही होती हैं, तो कभी कभी मुझे उन पर हंसी आती है। लेकिन फिर मैं उनके चेहरे बहुत गौर से देखती हूँ, क्योंकि वो सारे चेहरे शहीदों और गाजियों के हैं। उनमें से कुछ ने जन्नतें कमा ली हैं और अब वो सिर्फ उस जन्नत का दरवाजा खोलने के लिए आए हैं, मुल्क और कौम के लिए जहाद का जज्बा लेकर। दानियाल भाई, मुझे आप सबकी खुशनसीबी पर रश्क आता है और हसद भी। मैं एलसी हूँ, सपोर्टिंग आर्म्स में जाऊंगी। आपकी तरह मुझे बॉर्डर पर जाकर लड़ने और जान देने का मौका नहीं मिलेगा सिन्फे आहन बन जाने के बाद भी। ये अनफेयर नहीं है दानियाल भाई? लेकिन फिर सोचती हूँ कि फौज ने मुझे ये यूनिफॉर्म देकर एक आम बहन या बेटी नहीं रहने दिया। उसने मुझे मुमताज कर दिया कि मैं आप जैसे फौजी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म मैं रोज देखती हूँ तो मैं रोज दुआ करती हूँ कि मैं इसकी शान बनाए रखूँ हमेशा। Now coming over to types of north, there are three types of north: true north, grid north, and magnetic north. I'll explain one by one. So true north is the direction to the north pole from the observer. Grid north is the direction where all the grid lines pointing towards the top of the map. While magnetic north is the direction in which the compass needle pointing towards the magnetic pole. Okay, anybody from the class who can explain what is magnetic pole? Yes, Rabia. Ma'am, it's a huge magnet and it's located in Canada. Yes, settle down. So magnetic pole is located at 2,240 kilometer distance from North Pole. It's a huge magnet which is located in Northern Canada. Asan! Arj! One! Patoon, oh, shar! One! Patoon, amar, sip! Samne, salam! Two, three, one! Salakam, salam! Two, three, one! Patoon, samne! Salam! Two, three, one! Salakam, salam! Two, three, one! Patoon, samne! Salam! Two, three, one! Two, three, cut. Pathetic salute. Staff, इनको और प्रैक्टिस करवाएं। ओके मैडम, मैडम, आपने मेरी सेट करवाई है और इस तरह सलूट कर करके सामने रखे और आपको ये मैंने सिखाई है ड्रिल। जी स्टाफ। मैडम, क्या जी स्टाफ? ना आपकी ड्रिल ठीक है, ना आपका सलूटिंग टेस्ट, सिर्फ जी स्टाफ। एक सलूट है जो आपसे नहीं हो रहा। ढोन सामने, सलाम।
1, 2, 3, 4. Samne up. Salaam. Check. 1, 2. Assalamualaikum sir. Deep. 3. Cut. Deep. 3. 1. Assalamualaikum sir. Deep. 3. Cut. Top. Sir. ये क्या है? शबर है सर? जीसी की बेल्ट लूज है सर? जीसी का ट्राउजर कलम नहीं है सर? बैरेट देखो उसकी चढ़ेगा सर? सैल्यूट फेल राइट सर? प्रैक्टिस करवाओ राइट सर? असल लग सर? बाहर फिर साहब दौड़े अच्छा साहब अब जो रीज अब जो रीज साहब सर जीसी की आंख में कोई मसला है मैं चेक कर लेता हूँ सर। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। टीप थ्री वन अस्सलामुअलैकुम सर। टीप थ्री कट। टीप थ्री वन अस्सलामुअलैकुम सर। टीप थ्री कट। पटोल भाई साहब दौड़े चले अब ये रीज अब ये रीज। आज मैंने इतनी दफा आंख मारी है जितनी पूरी जिंदगी में नहीं मारी होगी। दिल तो चाहता है सेजरन के घोड़े को आग लगा दूं और ये स्टाफ स्टाफ के ट्राउजर में चूहा छोड़ दूं। ओ खुदा का खौफ कर अभी कुत्तों वाली हुई है। मान ले मेरी बात शूटिंग टेस्ट फेल कर दिया मेरा ये ड्रिल स्टाफ खुद फेल कर दिया। आज तो बोल यार सुनता है तो सुनता रहे जिसे तैमूर किसी के भाप से नहीं डरता। काफी टैमूर तेरा देखिए वो रेस्टोरेंट बंद कर आऊंगा एक दिन किसी की मजाल नहीं होगी मुझ पर धारणा की। मर गए टॉप सर रोको इन दोनों को। अरे अब रोक सर चल टॉप सर डबल चेक किया इनको आपने सर सिखाओ उनको डबल करना राइट सर असल राइट सर भाई साहब दौड़े चल वन टिप वन टिप सबको लगता है वो नहीं कर सकते इन सब कर लेते हैं। सो बी पेशेंट but also persistent because patience alone will not help you achieve it is then your persistence that will make you a winner sir practice karati rehna right sir I will assalamu alaikum sir walaikum assalam